बॉलीवुड में मास एक्टर किंग खान मतलब के SRK एंड साउथ में मास डायरेक्टर एटली कुमार दोनों ने पिछली बार जब साथ में काम किया था तब जवान मूवी से जवान जवान लॉन्डो के होश उड़ा दिए थे। अब जवान 2 का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा अलग है तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। भाई लोग, जब से पुष्पा 2 की रिलीज डेट पोस्टपोन करने की बात सामने आई है तब से कई फैंस को मानो तो धक्का सा लग गया है, जैसे मुझे लगा था। लेकिन भाई भाई भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि राज तो पुष्पा ही करेगा। देर से ही सही, लेकिन वो कहावत है ना, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तो आखिर भाई लोग, क्यों पोस्टपोन हुई पुष्पा 2 की रिलीज डेट और मेकर्स कब जारी कर रहे हैं नई रिलीज डेट, एंड अल्लू अर्जुन ने मिस्टर एटली कुमार जी के साथ काम करने से क्यों मना कर दिया, और क्या एटली कुमार सलमान खान के साथ करेंगे पूरा अपना ये प्रोजेक्ट, आइए बात करते हैं। वेल, आपके साथ है रितेश सिसोदिया, क्योंकि फिल्मी न्यूज अभी बाकी है भाई लोग। तो भाई साहब, पुष्पा 2 की रिलीज डेट पोस्टपोन करने का सबसे बड़ा रीजन सामने आया है कि मूवी की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि डायरेक्टर सुकुमार जी मूवी के कुछ हिस्सों की शूटिंग शूट करना चाहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मूवी के अंदर आदि पुरुष जैसी गलतियां छूट जाएं। लेकिन वहीं एडिटर एंटनी रुबेन ने भी फिल्म छोड़ दी है, जिससे मूवी की एडिटिंग भी अटकी हुई है, क्योंकि भाई लोग वो वरुण धवन की मूवी बेबी जॉन में जो बिजी हैं। लेकिन बाद में ये भी खबर आई थी कि बेस्ट एडिटर नवीन नूली को एडिटर के तौर पर लाने वाले हैं। वहीं बात करें नई रिलीज डेट की, तो मेकर्स का कहना है वो पहले फिल्म के सीन रीटेक शूट करेंगे, जिसके बाद रिपोर्ट्स के अनुसार तो मूवी की रिलीज डेट 6 दिसंबर की घोषित कर दी है। अब भाई लोग बात करते हैं साउथ सिनेमा के मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर मिस्टर एटली कुमार के साथ काम ना करने पर अल्लू अर्जुन की क्या वजह रही, आखिर क्यों ठुकरा दी एटली कुमार की फिल्म, और इससे पहले जवान मूवी में भी कैमियो करने से साम मना कर दिया था भाई साहब ने। देखो, एटली कुमार की फिल्म ठुकराने के पीछे अल्लू अर्जुन का सबसे बड़ा रीजन है, और वो है पुष्पा 2 के रीटेक सीन। अल्लू अर्जुन के मना करने के बाद एटली कुमार अब सलमान खान के साथ करेंगे अपना ये प्रोजेक्ट पूरा। अब भाई लोग, सलमान खान बॉलीवुड का वो मास एक्टर है जिनकी वांटेड ऐसी फिल्मों से ही पूरा बॉलीवुड साइलेंट हो जाता है। ओ भाई, एटली के साथ सलमान भाई कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है इंडस्ट्री में इतिहास रचने का। बाकी मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।